वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, वो जिसको तैयार कर रही थी। एक्चुअली इसके स्कूल में प्रोग्राम है आज, तो मुझे लिया है लक्ष्मण जी बनने के लिए। तो इन्हें लक्ष्मण जी बनाया है, देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये टीका वगैरह लगा दिया और कानों में भी टीका लगा दिया एंड फूलों की माला राती मंगा कर रख ली थी फ्रिज में एंड वो पहना दी। और पूरा मतलब ये कि सर्दी है तो पूरा खाली नहीं रख सकते, वरना ये खाली बॉडी पर लगते नहीं तो और ज़्यादा सुंदर लगते। और यहाँ पर मैं दुपट्टा लाई थी रात वाइट कलर का, तो उसकी धोती बना दी है मैंने यूट्यूब से ही देख कर। तेरी वो जिस पीछे हो ना घूम कर दिखाओ, घूम कर। हाँ तो ये पीछे से दिखाओ धोती, तो ये धोती बना दी है मैंने यूट्यूब से देख के, जैसे मुझे समझ आई वैसे मैंने बना दी। आप क्यों हंस रहे हो? तो ये देखना कैसे लग रहे हैं। तो ये लक्ष्मण जी बने हैं। और जिस वो कहा धनुष, धनुष लेकर आओ। तो सुबह का टाइम है एंड टाइम होने वाला है स्कूल का इसका, और अब बस लेके जाने वाले हैं इसको। ये दिखाओ, लटका के देखिए, लटका के दिखाओ, इधर आके दिखाओ। हाँ ऐसा ही, वाओ। तो ये रे देखो, ये लक्ष्मण जी बने हैं ये अपने स्कूल में, तो बस इनके लेकर जाने वाले हैं। अब टाइम हो गया फ्रेंड्स, आज धनतेरस का दिन है, हैप्पी धनतेरस। एंड अब उसका टाइम हो रहा, मैं इसको लेकर जाती हूँ। तो ये मॉर्निंग का देखो हाल है रूम का ऐसा ही। एंड मैं अब लच वगैरह लगा दिया इनका मैंने, अब बस मैं चलते हैं, हम इन्हें छोड़ने चलते हैं अब। और किचन में भी सब कुछ फैला हुआ है, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आई हूँ नहाकर और टाइम हो गया अभी करीब 11:30 हो गए हैं। वही साफ सफाई घर की, और अभी बस लंच बनाना बाकी है। थोड़े कपड़े भी धोए थे मैंने, अब हाथ से धो लेती हूँ मैं, क्योंकि अब फेस्टिवल है तो मैं चाहती हूँ इकट्ठे ना हो कपड़े, तो रोज़ की रोज़ निकाल देती हूँ कपड़े, धो देती हूँ हाथ से ही, क्योंकि फिर इकट्ठे हों फेस्टिवल के टाइम पर तो अच्छा नहीं लगता। जस्ट अभी नहाकर आई हूँ और ये लोशन लगा लेती हूँ। एंड अभी स्कूल से आए नहीं हूँ, जैसे अभी तो 2 बजे आएंगे, छुट्टी होगी उनकी। एंड बस काम कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, खाना बनाना बाकी है। एंड डेकोरेशन थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी मैंने, जो चीज़ें डेकोरेशन की ली थी, तो जब लगाऊंगी ना आपको दिखा दूंगी मैं। और सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई घर की, और किचन का भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, मैं आपको दिखा दूंगी अभी। बस जस्ट कपड़े सूख रहे हैं मशीन में, कुछ हाथ से धोए थे ना मैंने, तो सुखा मशीन में रही हूँ मैं, तो अब वो पहले सूख जाए तो फिर उन्हें डाल के फिर बस किचन में जाना है मुझे अब। ये टोनर लगा लिया, तो घर पर तो बस मैं ये टोनर वगैरह और ये आईब्रो फिल कर लेती हूँ, एड बिंदी, और बस सिंदूर रखती हूँ। घर पर ज़्यादा मेकअप नहीं करती, अभी कॉम भी करना बालों में मुझे, तो हो गया। ये सूख जाए तो थोड़ा सा सीरम लगाऊंगी बस, या सनस्क्रीन लगा लूँगी, देखती हूँ सीरम लगा लूँगी। हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ना स्किन में, एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा, तो हो गया ये खुल गया। और आज मुझे एक मिठाई भी बनानी है, मतलब मुझे बनाने हैं, मैंने थोड़ा सा मावा फूका था घर पर ही, तो उसका मुझे आज सूजी के लड्डू बनाने हैं। एंड सूजी के लड्डू बनाऊंगी, तो मैं रेडी हो गई एंड अब मैं बस किचन में जाती हूँ। मैं किचन में बस अब क्या करती हूँ, किचन में काम कर लेती हूँ। और बहुत Hi guys. My YouTube channel. Guys, क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ एंड बन गया खाना, वैसे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, उन्होंने गरम गरम खिला दिया। और यहाँ सब्जी भी देखो बन गई, थोड़ी ग्रेवी टाइप की पसंद है उन्हें तो ऐसी बन जाती है, इसलिए कुकर में बनाई है ये। और यहाँ मैं रोटियाँ बना ही रही हूँ, और
किचन देख लीजिए आप। तो इसका व्लॉग जाएगा, जब मैंने ये लगाई थी ना तो इसका व्लॉग बनाया था, बट अभी एडिट नहीं हुआ है। देखती हूँ आज डालती हूँ आपको, आज व्लॉग चला जाएगा वही वाला जो मैंने ये किया था। और आज धनतेरस का जाएगा छोटी दीपावली पर, तो देखती हूँ। एंड देख सकते हो ये मैं इस तरह से टोकरी में रखती हूँ। तो ये क्या होता है, इसको निकाल कर ना अच्छे से सफाई कर सकते हैं, एकदम उठा कर सफाई कर दो। और यहाँ पे छोटी छोटी ट्रे रख रखी है, तो ट्रे पर सामान खिसकाओ और कपड़ा लगा दो, नीचे साफ कर दो अच्छी तरह से। और यहाँ ये था छोटा सा पटरा परिन्या का, जो कि काम नहीं आता था, एकदम सही है वैसे पटरा, तो ऐसे ही रखा था ये टांड पर, तो मैंने उतार लिया, इस पर कपड़ा रख दिया। एंड इस पर भी सामान रख रखा है मैंने यहाँ। एंड कप्स निकाले थे कुछ मैंने, कुछ टूट गए थे, तो फिर एंड तो पूरी किचन यही है हमारी तैयार। और यहाँ कप्स रख रखे हैं कुछ अलग से, थोड़े मेहमान आते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना कप, तो वहाँ पर रख रखे हैं कुछ मैंने, इस तरह से टोकरी में रख रखे हैं ये। तो ये भगवान जी थे तो वहाँ पर नहीं था इनके लिए स्पेस, तो फिर मैंने यहाँ रख दिए। बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं रखती मैं, तो ये कप्स हैं साफ यहाँ रख रखे हैं। एंड तो छोटी किचन है, मैंने ऐसी सामान एडजस्ट कर रखा है, बट ज़्यादा सामान नहीं आ सकता, बट जितना भी है ऐसे एडजस्ट कर रखा है मैंने। और पीछे कुछ प्लेट्स रखी हैं कांच वगैरह की, कुछ जो जरूरत आने पर उतार लेती हूँ मैं। आज एक मिठाई भी बताऊंगी मैं आपको, देखती हूँ कब स्टार्ट करती हूँ बनाना। एंड सूजी की और मावे की मिठाई बनानी है मुझे, लड्डू बनाने एक तरह से, तो दिखा दूंगी आपको। एंड फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। गए ओजस और अभी आए स्कूल से, और देखो मेकअप भी इनका यूं ही की हुई है, दिखाओ, आईज बंद करो, देखो बेटा रुक जा, मेकअप ऐसे कैसे ही है। और ये बनकर तो गए थे लक्ष्मण जी, मैम ने बोला था कि लक्ष्मण जी बनाकर भेज देना आप लोग, और मैंने लक्ष्मण जी बनाकर भेज दिया, बट मैम को इतने प्यारे लगे मेरे ओजस, तो उन्हें ना राम जी बना दिया है। बेटा राम बना दिया आपको, तो इन्हें राम ही बना दिया। अब थोड़ा सा पता नहीं क्यों नींद सी में हो रहे हैं ये, तो इनकी नजर उतारूंगी, शाम को नजर लग गई होगी ना। बेटा फेस वॉश कर लो, बिंदी तो इतने पसंद आए मैम को कि राम जी बना दिया इन्हें, गए लक्ष्मण जी बन करे। तो हो गया इनके स्कूल में प्रोग्राम, राम आगमन दिन था ना, क्योंकि दिवाली पर इसलिए बनाते हैं दिवाली, क्योंकि राम जी घर आए थे अपने, तो वही था उनके स्कूल में प्रोग्राम। मैं तैयारी कर रही हूँ सूजी और मावे के लड्डू बनाने की। एंड तो ये सूजी मैंने छान ली, और ये देखो बूरा भी छाननी होती है, देखो कितना कुछ निकलता है इसमें, तो इसको मैं चीनी वाले डिब्बे में डाल दूंगी, चाय के काम आ जाएगा ये। फ्रेंड्स ये है सूजी जो कि 250 ग्राम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, एंड ये अभी भुनी नहीं है। एंड ये है आधे किलो मतलब 500 ग्राम बूरा, और ये गोले का बरूदा है, आधा गोला था उसको पीस लिया है मैंने अच्छी तरह से, तो ये इसको पीस लिया था मैंने अच्छी तरह से, तो ये गोले का बरूदा। एंड ये है घर का बना हुआ मावा, बोलते हैं खोया बोलते हैं, तो ये भी करीब 250 ग्राम बैठ जाएगा, 250 ग्राम करीब बैठ जाएगा। एंड ये है इलायची के दाने होते हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये है घी, तो घी इससे डबल लगा था, पूरा बाउल लगा था। एंड अभी तो इतना ही दिखा रही हूँ, बट बाद में काफ़ी लगा था घी इसमें, तो मैं सूजी को भून रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये हल्की हल्की भुन गई है, और थोड़ा सा और भूनूंगी इसको, देख सकते हो आप, तो ऐसे ये भुन गई सूजी, और इतना ही रखूंगी। एंड इसको मैं अब ट्रांसफर कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में। एंड ये खाली भगोना रखा है, तो इसमें सारे मिश्रण डालूंगी मैं धीरे धीरे जो चीजें हैं, तो इसमें मैं डाल लेती हूँ सूजी को। फ्रेंड्स अब ये घर का बना हुआ मावा है, खोया बोलते हैं, मावा बोलते हैं, तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। और गैस को सिम रखना है, बहुत मीडियम रखना है गैस को, जिससे कि जले नहीं। एंड निकाल लिया, फ्रेंड देख सकते हो एकदम मेल्ट हो गया, पूरा पिघल गया ये, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊंगी मैं। अभी मैं इसमें मिला लेती हूँ भुनी हुई सूजी में, मैंने इसमें डाल दिया। एंड अब मैं थोड़ा सा घी गरम कर लेती हूँ, इसको पहले अच्छी तरह मिला लूंगी सभी को। ये मिला लिया, और अब मैं डालूंगी इसमें बूरा, गरम गरम है ये, तो इसमें पहले मैं बूरा डाल लेती हूँ। तो ये बूरा है, तो बूरा डाल लेती हूँ मैं इसमें। अब मैंने बूरा डाल ली इसमें, और ये देख सकते हो मिश्रण कितना टेस्टी टेस्टी हो रहा है एकदम,
बहुत अच्छा लग रहा है, तो सब चीजों को मिक्स कर लेती हूँ। एंड मुझे ये घी है इसको गर्म कर लेती हूँ पहले मैं थोड़ा सा। इतने मेरा घी गर्म हो रहा है तो इतने में क्या करती हूँ, ये देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हैं बादाम जो कि मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे, एंड इनको डाल देती हूँ। और ये हैं काजू, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर रखे हैं मैंने, तो इनको भी डाल देती हूँ। एंड ये देख सकते हो इलायची है जो कि मैंने पीस ली है दाने निकालने के बाद, और इसको भी मिला देती हूँ इसमें ही, और सब चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से मैं। अब ये है मैंने गोले का बरूदा बनाया था एकदम गोले को पीस के, और इसको डाल देती हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड्स ये मिश्रण तैयार हो गया, अब इसमें मैं घी डाल देती हूँ, और घी अभी थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था, ज़्यादा गर्म नहीं है, एंड उसके बाद मैंने ठंडा कर लिया था, अब इसको मैं डाल देती हूँ। तो घी मैंने करीब एक कटोरा डाला है, अब इसमें बचा है देख सकते हो, तो एक कटोरा आई थिंक इतना ही है, एक मतलब छोटी कटोरी तो नहीं, बड़ा कटोरा जो होता है ना बोलते हैं वो डाला है। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और अगर आपको थोड़ी और ज़रूरत लगे तो आप डाल लेना, वैसे काफ़ी है, अब लड्डू बन सकते हैं। एंड गुनगुना सा ये सब कुछ ये, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बना। लड्डू शेप में ना ये नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है घी और डाल लेना है थोड़ा सा, तो मैं घी डाल देती हूँ, आई थिंक ये पूरा डल जाएगा घी, तो मैंने डाल दिया घी। अब देख सकते हो फ्रेंड्स अब ये बनना हो गया स्टार्ट लड्डू हमारा, तो ये देखिए स्टार्ट हो गए, ऐसी दबा दबा कर आपको बना लेना है। ये देखिए बन गया, इसको रख देती हूँ एंड दूसरा लेती हूँ। तो दूसरा ले लेती हूँ और इस तरह से दबा दबा कर इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर बनाइए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको इसको दबा दबा कर, और गरम गरम ही, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, और गरम गरम है ये, और इस तरह से आप देख सकते हो इसको ऐसे हिला लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है। इस तरह से दबाते रहिए एंड हिलाइए इसको पूरी तरह से, और जैसे ही ठंडे होंगे ना, जैसे कि अब ये बना के रख रहे हो आप, तो अभी तो आपको लगेगा कि ये बिखर जाएंगे, बट नहीं, क्योंकि अब ये ठंडे होंगे जब जैसे, तो घी भी ठंडा होएगा इसका अंदर का, तो वो पूरे हो जाएंगे तैयार, एब्जॉर्ब हो जाएंगे पूरे, बिखरेंगे नहीं ये। और ये देखिए बन गया, तो इसको रख देती हूँ। हो रेडी हो गए लड्डू, एंड इस पर मैं अब ये डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और ये है गोले का बरूदा, तो इसका डाल देती हूँ मैं इसको सभी पर, और इसको ना थोड़ी देर फ्रिज में छोड़ दूंगी, तो इसका जो घी है ना वो जमने लगेगा ना अंदर अंदर, तो और टाइट हो जाएंगे लड्डू, तो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। देख सकते हो तैयार हो गए लड्डू, टेस्टी टेस्टी। और इसमें पता है क्या एक कमी लग रही थी, जैसे मैंने शुरू में घी डाला था ना, तो जैसे मैं बनाती रही तो और घी की जरूरत पड़ती रही इसमें, एंड सूजी बहुत घी पी रही थी, तो मैंने दोबारा और डाला है घी बनाते बनाते भी, काफी मतलब ये लगा लो दो बाउल लग गए बड़े वाले। मैं बताऊं आपको, जैसे कि आप ये लोगे ना इतने, दो कम से कम दो आधे किलो के आसपास लग गया आई थिंक, तो ये ना सूजी बहुत घी पीती है, तो इसमें लड्डू में घी अच्छा खासा लग गया है, और पर लड्डू तैयार हो गए ये देख सकते हो, और आप लोग ट्राई करना एंड अच्छे लगेंगे। तो फिर मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप जरूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, एंड थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ डेकोरेशन, ज़्यादा खास तो नहीं जो भी थी, ये देखो यहाँ लगा दी है मैंने, और यहाँ पर भी लगा दी है सब दीपावली, एंड ये लेकर आई थी मैं, ये लेकर आई थी, तो ये टांग दिए मैंने यहाँ पर, और ये देख सकते हो ये भी टांग दी अच्छी तरह से, तो होगी थोड़ी बहुत डेकोरेशन, और लाइट्स वगैरह वो जल नहीं रही, और लेकर आऊंगी मार्केट से। तो फिर मैं इस व्लॉग को लास्ट करती हूँ, आप जरूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग हमारी वीडियोस के साथ।